तृतीय ज्ञानोत्सव 2079 उसके मंच पर हम सबके सौभाग्य से विराजमान इस उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष भारतीय सरकार केंद्रीय सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, समाज में अपने काम से केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी और भारत की पहचान बनाने वाले ऐसे श्री कैलाश सत्यार्थी जी, ये जो आज अपना सारा आयोजन चल रहा है, ये आयोजन धीरे धीरे करके गंगोत्री से प्रारंभ होकर एक विशाल रूप धारण कर रहा है, उस सारे कार्य के समन्वयक श्री अतुल जी, इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे जी, अन्य सभी कार्यकर्तागण आयोजकगण, इस ज्ञानोत्सव में सहभागी प्रतिभागी शिक्षाविद प्रशासक, इसके विभिन्न प्रकार के जो और भागीदार हैं, ऐसे सब सभी यहां निमंत्रित बंधुओं बहनों, श्रीमान कैलाश जी के बोलने के बाद वैसे मुझे लगता है कि उद्घाटन सत्र में बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है। शिक्षा नीति का वैशिष्ट्य, उसकी दिशा क्या हो, करने वालों की प्रेरणा क्या हो, ऐसी सब बातों का उन्होंने स्पर्श अपने इस और मुख्य अतिथि के नाते जो अपना वक्तव्य रखा वो हम सबके सामने स्पष्ट किया है। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं, तीन छोटी छोटी बातें आपके सामने रखूंगा। एक, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के बारे में। दूसरा, जिस पृष्ठभूमि में अपना कार्य हो रहा है। और तीसरा, हम जो काम करने वाले हैं उसकी चुनौतियां क्या हैं, करना क्या है, ये चर्चा अतुल जी ने हम सबके सामने कर दी है, इसलिए उसको लेकर बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के काम का जब विचार करते हैं तो उसके तीन चरण मुझे ध्यान में आते हैं। परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोग और परिवर्तन के वाहक, ऐसे सब लोगों को देश भर में घूम घूम कर ढूंढना। भारत की शिक्षा कैसी है, इसका चिंतन बहुत समय से चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे देश के अंदर समाज की इच्छा बनती गई, परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती गई, लेकिन ये काम करना है तो काम करने के लिए सबसे जो पहली बात है, करने वाले लोगों का एकत्रीकरण ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि अतुल जी ने जो पहला चरण लिया, देश भर में घूमकर विभिन्न विभिन्न विषयों के ऊपर काम करने वाले, उसकी इच्छा रखने वाले जो अपने अपने स्थान पर काम करेंगे, ऐसे सब स्टेक होल्डर्स को ढूंढना, चिन्हित करना, ये एक काम किया। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से ऐसे सब लोगों का एकत्रीकरण किया। दूसरा जो चरण प्रारंभ हुआ, ये सब जब चिन्हित हो गए तो एक साथ मिलकर सोचना, जो भारत की बड़ी एक आवश्यकता है, हमारे यहाँ चिंतन समग्र हो ये चाहते सब है, लेकिन उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इट इज द बिगेस्ट चैलेंज। हमारा सारा व्यवस्था ऐसी हो गया है कि जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स नहीं होता, वो हर विषय में है, वो कृषि हो, वो उद्योग हो, वो समाज जीवन हो। एक ऐसा तंत्र हमें ऐसा मिल गया जिस तंत्र के अंदर समाज उसका हिस्सेदार नहीं है, कुछ शासन करने वाले हैं, कुछ शासित होने वाले हैं। ये जो विविध स्टेक होल्डर है ये सब एकत्र आकर सोचे, ऐसा अपने यहां नहीं होता, और इसीलिए एक एरोगे साहब इंस्टीट्यूशन भी रहता है। जो करने वाले होते हैं उनको करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन बताए कौन।
निर्णय करने वाले जो लोग रहते हैं वो निर्णय करने वालों को लगता है कि हमसे अधिक कोई जानता नहीं है। जिनको करना होता वो कहते हैं कि जिन्होंने तय किया वो आकर देखे तो सही, जरूरत क्या है, ये तो हमको बताए कि क्या करना होता है। और जिनकी आवश्यकता होती है वो आवश्यकता कोई समझता ही नहीं है, जो मेरे को लगता है वही सब बताने की आवश्यकता प्रयास करते हैं। तो वास्तव के अंदर भारत जैसे देश के अंदर जहां इतनी विविधता है भाषाओं की, नगर हैं, बड़े नगर हैं, ग्राम हैं, वन हैं, गिरी हैं, समाज जीवन के अंदर विविध प्रकार का समाज जीवन है, हर स्थान का अपना वैशिष्ट्य है, हर स्थान की अपनी चुनौतियां हैं, हर स्थान की अपनी एक परिस्थिति है, इस सारे के बीच के अंदर और एक समग्र नीति बनाना ये बहुत कठिन विषय होता है। लेकिन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का जो दूसरा चरण है, ऐसे सब लोग चिन्हित होने के बाद इकट्ठे आकर सोचना प्रारंभ करें। केंद्र में ज्ञानोत्सव, राज्यों में ज्ञानोत्सव, विविध विषयों के लिए उसके जो स्टेक होल्डर्स है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है न्याय में जब भारतीय भाषा की चर्चा हुई तो फिर वहां न्यायाधीश भी थे, वकील भी थे, जिनको आवश्यकता है वो भी थे, उसमें सहयोग करने वाले भी थे। तो ऐसे सारे लोगों को एकत्र करना और एक साथ आकर सोचना और अपना एरोगेंस भूलकर हम सब एक व्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं, उसके हम बागी बनेंगे, परिवर्तन के वाहक बनेंगे, ये दूसरा चरण था जो हुआ। और तीसरा जो चरण था वो महत्व का, वो पिछले कुछ समय में जो प्रारंभ हुआ वो है कि ये सारे लोगों ने जब सोचना शुरू किया तो जो उस सारे में से निष्कर्ष निकलने शुरू हुए तो स्थान स्थान के ऊपर उसके अनुभव लेना, एकत्र आने के बाद जो अनुभव ध्यान में आए, प्रयोग जो विविध कर रहे थे उन प्रयोगों का प्रचलन, उसकी मात्रा बढ़ाना। वास्तव के अंदर व्यवस्था का जो परिवर्तन है, ये व्यवस्था का परिवर्तन कभी भी ऊपर से आने वाला नहीं है। अतुल जी अपने वक्तव्य के अंत में कह रहे थे कि सरकार ने तो नीति बना दी, क्रियान्वयन समाज को करना है, समाज की भूमिका ज्यादा है। वास्तव के अंदर जब निष्कर्ष निकलते हैं तो उन सब निष्कर्षों को जब तक प्रचलन में लाया नहीं जाता और जब तक वो समाज में मान्यता प्राप्त नहीं करते तब तक परिणाम नहीं आता। इस वर्ष के विजयदशमी के संबोधन में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी कहा कि सरकार ने तो नीति बना दी कि मातृभाषा में शिक्षा, अभिभावक तैयार है क्या? प्रावधान किए जा सकते हैं, व्यवस्था तैयार की जा सकती है, लेकिन अभिभावकों का मन कौन मनाएगा? पाठ्यक्रम बन जाएंगे, शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे, तंत्र तैयार हो जाएगा, लेकिन जिनको शिक्षा चाहिए वो जिनको चाहिए उनके अभिभावकों की मानसिकता बनेगी क्या? मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ना है तो फिर स्थान स्थान के ऊपर प्रयोग करने पड़ेंगे, वो प्रयोगों को अनुभवों के आधार के ऊपर सक्सेस स्टोरीज में बदलते हुए, सफलता की कहानियों में बदलते हुए, उन सफलता की कहानियों की मात्रा ये बढ़ानी पड़ेगी और जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे समाज में परिवर्तन ये हमको दिखाई देगा। वास्तव के अंदर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ये जो यात्रा है, भारत की विविधता, भारत का वैशिष्ट्य, परिस्थिति की चुनौतियां, समय की आवश्यकता, इस सबको ध्यान में रखकर एक आंदोलन के जो रूप में प्रारंभ हुआ अभी अपने ये तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है और इस तीसरे चरण में प्रवेश करते समय अपना ये आयोजन, ये उसकी पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ा देश के अंदर जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़े हैं उसकी सफलता का आधार बन सकता है। मुझे लगता है कि आज का ये जो ज्ञानोत्सव है, इस बार का जो ज्ञानोत्सव है, इस दिशा के अंदर और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की यात्रा में इस तीसरे चरण को अपनी परिणति पर पहुंचाते हुए परिणाम की ओर इस सारी प्रक्रिया को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, इसके लिए शुभकामना देते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए
अपने वक्तव्य की इस पहली बात को मैं पूर्ण करता हूं। दूसरी बात जो मैंने कहा कि एक विशिष्ट पृष्ठभूमि में अपनी यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं विशिष्ट पृष्ठभूमि इसलिए कह रहा हूं, भारत यानी एक हजारों वर्षों की यात्रा है, उसके बारे में बहुत वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा का वैशिष्ट्य है यह अनवरत थी, निरंतर अखंड, इसके अंदर कोई विराम नहीं है। आप वैदिक वांग्मय पढ़िए, आप उपनिषदों को पढ़िए, आप ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, विदेश के अनेक यात्री भारत के अंदर आए, मेगस्नीज, पाइयान, वेनसांग, उन सबको पढ़िए और आज भी देश में घूमिए, तो आपको लगेगा इस देश के अंदर एक समाज जीवन की निरंतरता है। एक सा समाज, एक से परिवार, एक से मूल्य, एक से ग्राम, एक सा सोचने का ढंग, दुनिया के किसी राष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी हजारों वर्षों की एक यात्रा नहीं है। इस यात्रा के अंदर एक खंड पड़ा पिछले हजार वर्षों में। यह जो हजार वर्षों का खंड था, हमारी इस हजारों वर्षों की यात्रा में हमारे लिए एक चुनौती बन गया। दुनिया के किसी राष्ट्र की ऐसी यात्रा नहीं है। आप रोम 2000 साल पहले का पढ़िए, 500 साल बाद का पढ़िए, उसके हजार साल बाद का पढ़िए, आज का पढ़े देखेंगे तो आपको एकदम अंतर दिखाई देगा। आपको दुनिया के सब देशों में अंतर दिखाई देगा, लेकिन पूरे भारत का आप देखेंगे, सारे देश के अंदर एक निरंतरता है, एक वैशिष्ट है। सारे देश के अंदर, हर कालखंड के अंदर भाषाओं की विविधता, खान पान की विविधता, मत पंथों की विविधता, लेकिन सारे देश के अंदर समान मूल्य, समान संस्कृति, समान जीवन की पद्धति, एक राष्ट्र एक जीवन, एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक राष्ट्र एक समाज एक संस्कृति, वन नेशन वन पीपल वन संस्कृति, यह हमको दिखाई देगी सारे में से। लेकिन एक हजार साल के अंदर इसमें एक खंड पड़ा, यह इस पृष्ठभूमि में हम काम कर रहे हैं, यह हमेशा ध्यान रखना है। इस्लाम का जब आक्रमण हुआ तो उसने इस देश की संस्थाएं नष्ट कर दी, हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वो समाप्त कर दिए, नालंदा और तक्षशिला ये इस आक्रमण के बाद ही नष्ट हुए, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय इस आक्रमण के बाद ही नष्ट हुए। हमारे देश के अंदर अपनी एक संस्कार देने की व्यवस्था थी, मठ मंदिर कुंभ मेले यात्राएं, हमारे समाज जीवन की ये जो संस्थाएं थी नष्ट होगी। 300-400 साल तक कुंभ नहीं हुए। आप दक्षिण में जाएंगे आपको बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, आपको उत्तर में मध्य में पूर्व में ये सब नहीं मिलेंगे, सब नष्ट कर दिए गए। वो जो 600-700 साल का कालखंड था, उस कालखंड के अंदर हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई। अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तो अंग्रेज का जो आक्रमण था, ये जो यूरोपियन आक्रमण था, ये जो यूरोपियन इवेंजेलिकल आक्रमण था, सारे देश के अंदर अपनी मत पंथ, उसकी श्रेष्ठता, उसको स्थापित करते हुए इस देश के सब प्रकार के मूल्य, सोचने का ढंग, आचार विचार व्यवहार बदलने का लक्ष्य लेकर ये जो सर्वंकष आक्रमण था, जिसका प्रारंभ हुआ 1835 के अंदर लॉर्ड बेंटिक द्वारा निर्देशित शिक्षा पद्धति का क्रियान्वयन जब प्रारंभ हुआ, तो भारत की शिक्षा का माध्यम, प्रशासन का माध्यम ये अंग्रेजी किया गया। ये वहां से जो काम प्रारंभ हुआ, एक 200 वर्षों के अंदर ही पूरे देश के अंदर उस सारी व्यवस्था के कारण से जो कुछ हुआ, उच्च शिक्षा में पढ़े लिखे लोग समाज की एक एक संस्था में स्थापित होते चले गए और सारे देश के अंदर एक स्मृति लोप हो गया, एक लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, एक आत्मविस्मृति हो गई। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है आत्मविस्मृति, हम भूल गए कि हम कौन है। सारे देश के अंदर एक लॉस ऑफ मेमोरी हो गया।
इस्लाम के आक्रमण में संस्थाएं नष्ट हो गई। इवेंजेलिकल चर्च के इस यूरोपियन आक्रमण के अंदर इस देश के अंदर एक लॉस ऑफ मेमोरी हो गई, एक स्मृति लोप हो गया, और इसीलिए स्वाधीनता के बाद हमने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की तो ये दोनों बातों की चुनौती हमारे सामने थी, और इसलिए हमारी यात्रा 1000 साल बाद हमने अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त किया, अपने कर्तृत्व से इस यात्रा को प्रारंभ किया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में ये दो यात्रा थी। अभी उसकी बहुत विवेचना करने का समय नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो हमारी स्वाधीनता की यात्रा थी, इस स्वाधीनता के आंदोलन की जो यात्रा थी, जो स्वत्रयी से प्रारंभ हुई थी, स्वदेशी, स्वधर्म और स्वराज्य, जब ये यात्रा प्रारंभ हुई थी तो केवल स्वराज्य के लिए नहीं थी, आजादी के लिए नहीं थी, जैसे जैसे अपना शासन प्राप्त करने के लिए नहीं थी। उस यात्रा में गुरुकुल कांगड़ी जैसे संस्थान खुल रहे थे, उस यात्रा का नेतृत्व करने वाले, संकल्पना करने वाले, चाहे वो संत राम सिंह कूका हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे सतीश चंद्र मुखर्जी जैसे विचारक हो, रामकृष्ण परमहंस और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उनके जो शिष्य, फिर विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, उसके बाद इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षाविद हो, ये यात्रा जो बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं कर सकती थी, 1947 तक आते आते जैसे तैसे आजादी खंडित भी मिलती हो तो उसको ले लो, खिलाफत, हिंदू मुस्लिम एकता की मृग मिर्चिका, राष्ट्र की संकल्पना, वो एक नेशन इन द मेकिंग, यहां चलते चलते और विदेशी संस्थाओं के अनुकरण में ही आने वाले समय में हमारा हित है, यहां आकर पहुंच गए। वास्तव के अंदर पूज्य सरसंग चालक जी ने 2021 के विजयदशमी के संबोधन में कहा, 75 वर्ष पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की थी। ये जो 75 वर्ष की यात्रा है, इस यात्रा में हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, गर्व करने लायक बहुत बातें हैं। ये यात्रा कहीं पर भी नकारात्मकता, निराशा नहीं पैदा करती है, एक आशा, विश्वास, सकारात्मकता, और सबसे बड़ी बात है इस यात्रा के 75 वर्ष पूरे होते होते एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आया, वो है गुलामी की मानसिकता से मुक्त ये भारत होने को छटपटा रहा है। जिस समय इस सारे 75 वर्ष की यात्रा को प्रारंभ करने का भारत के माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज के इस काल की तुलना करनी हो तो ये अब हमारा अमृत काल प्रारंभ हो रहा है। आज अपना एक भारत है जो आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। आज भारत का युवा दुनिया की आंख में आंख डालकर एक बड़ी उड़ान भरना चाहता है, उसके मन में एक सपने हैं अपने को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर, वो दुनिया जीतना चाहता है। हमारा एक इंजीनियर विदेश में जाता है, वो उस कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, एक विद्यार्थी वहां पढ़ने जाता है, वो वहां के शिक्षा संस्थान का प्रमुख बनना चाहता है, वो विज्ञान का विद्यार्थी बन के जाता है, वो उस वैज्ञानिक संस्थान का नेतृत्व करना चाहता है। भारत में भारत का एक व्यक्ति स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है, करता है, 5 साल में यूनिकॉर्न बनाना चाहता है। इस देश के अंदर एक अद्भुत अलग प्रकार का एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा यह हमारा अमृत काल है, ये कालखंड है जिसके अंदर हमको स्वाधीनता के नायकों का स्मरण करना है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, लेकिन ये कालखंड है, वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये अमृत काल 25 वर्ष का जब ये पूरा होगा तो भारत का सूर्य पूरे विश्व के अंदर दैदीप्यमान ये दिखाई देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब इस कार्यक्रम के, इस आयोजन का हम जब चिंतन कर रहे हैं तो इसकी एक पृष्ठभूमि है, 1000 वर्ष की वो यात्रा जिसमें हमारे एक
हजारों हजारों वर्षों की यात्रा में खंड पड़ा। 75 वर्ष पहले हमने जो यात्रा प्रारंभ की थी स्वाधीनता से स्वतंत्रता की, उस स्वतंत्रता की यात्रा में स्व को जानने के लिए इस देश के अंदर जैसा आत्मविश्वास चाहिए, जैसी मानसिकता चाहिए, वो बन गई है। उसकी स्पष्टता नहीं है, उसकी स्पष्टता के अभाव के अंदर बहुत तरह के भ्रम कभी कभी होते हुए दिखाई देते हैं, उसके कारण से कभी कभी समाज में अंतर्द्वंद संघर्ष भी दिखाई देते हैं। उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 75 वर्ष में हमने जो किया है उसके आधार पर हम सब मान सकते हैं कि आने वाले 25 सालों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो सब कर सकते हैं जो वास्तव में हमको 1947 में प्रारंभ करना चाहिए था। और उसका महत्वपूर्ण चिन्ह है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है। वास्तव में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो निर्माण हुआ है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण ये अपने आप में एक संकेत है। 75 वर्ष के अनुभवों के आधार के ऊपर समाज की मानसिकता बन गई है। शासन में वो लोग आ गए हैं जिनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। अभी आवश्यकता केवल एक है, वो है जो काम करना है उसके लिए तंत्र की सिद्धता चाहिए। तंत्र की इच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, तंत्र की सिद्धता चाहिए, क्योंकि केवल इच्छा से काम नहीं होता, समाज का मन तैयार है। शासन ने अपनी इस नीति का क्रिया नीति को स्वीकार करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया, उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना यह उनका काम है, लेकिन करना किसको है? वो तंत्र की सिद्धता है। ये तंत्र यानी केवल शासक नहीं, प्रशासक नहीं, केवल वाइस चांसलर प्रिंसिपल नहीं, तंत्र यानी इस सारे तंत्र के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इस तंत्र के जितने और भागीदार है, ये सारे भागीदारों को अपनी सिद्धता बढ़ानी होगी। और इसके लिए जो 3 चुनौतियां हैं उसकी ओर मैं संकेत करके मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करूंगा। उसका समाधान आप लोग ढूंढ भी रहे हैं, आप लोग ढूंढेंगे, इसका मुझे विश्वास भी है। पहली चुनौती किसकी है? तो इस देश के अंदर 3 इकोसिस्टम है जिनको हमको तोड़ना पड़ेगा। 3 पारितंत्र ऐसे हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा, जिसको तोड़े बिना हम इस और वो अपने इस तंत्र को ही करना पड़ेगा। हम जो लाना चाहते हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मालूम नहीं है। आज सबको चर्चा होती है आर्यन भोजन थ्योरी, ये ध्वस्त हो चुकी है हर आधार पर, लेकिन प्रचलन में वही है। जितनी बातें चलती है वो सब प्रचलन में। कारण क्या है? इस देश के अंदर एक इकोसिस्टम है। जब एकेडमिक्स में जाते हैं तो इकोसिस्टम है रेफरेंसेस का, नैरेटिव का और डिस्कोर्स का। मैं हमेशा कहता हूं कि आप रेफरेंसेस ढूंढने चलते हैं तो रेफरेंसेस कौन से मिलते हैं? कभी कभी बड़े इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं, हम बिना रेफरेंस के बात नहीं करते हैं, हम तो अध्ययन ही करते हैं, हम भाषण नहीं देते हैं। लेकिन सेलेक्टिव रेफरेंसेस आर नॉट कॉल्ड रेफरेंसेस। मैंने कुछ रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं स्थापित किए हुए हूं, उन्हीं को मैं रेफरेंस मानता हूं, वो रेफरेंस नहीं होते। वो सेलेक्टिव रेफरेंसेस तक जाने की क्षमता नहीं है लोगों की। क्यों? वो जो रेफरेंसेज होते हैं वो प्राइमरी डाटा है, वो ओरिजिनल रेफरेंसेज, वो संस्कृत में है, वो पाली में है, वो प्राकृत में है, वो शारदा में है, उनको जानने वाले लोग ही नहीं है। और इसलिए किसी मार्क्सवादी साहित्यकार लेखक की किताब पढ़कर आप कहते हैं कि ये आर द रेफरेंसेज, ये बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, मैं उनको रेफरेंस देता हूं। तो इस देश के अंदर पूरे एकेडमिक्स के अंदर एक इकोसिस्टम बन गया है रेफरेंसेस का, नैरेटिव्स का, एंड दैट नैरेटिव्स हैव बिकम ए पॉपुलर डिस्कोर्स। ये तोड़ना है तो हमको उसके लिए एक प्राइमरी डाटा जनरेट करना पड़ेगा। वो प्राइमरी डाटा को जनरेट करना ये भी एक चैलेंज है। दुनिया की 80% पांडुलिपियां भारत में हैं,
वो सारी पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के अंदर एकत्र की जा सकती हैं, पढ़ी नहीं जा सकती। उसके पढ़ने वाले लोग कहां से आएंगे, वो कौन पढ़ेगा उनको, उनकी व्याख्या कौन करेगा, इंटरप्रिटेशन कौन करेगा। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो एक इकोसिस्टम है। दूसरा इकोसिस्टम है इस देश के अंदर, नहीं दुनिया भर के अंदर, एकेडमिक्स, मीडिया और टेक जायंट्स, ये तीनों का एक तालमेल बन गया। कभी विश्वविद्यालयों में महिषासुर जयंती मनती थी, उसका असर बस्तर में नहीं होता था, जेएनयू में मन सकती थी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मन सकती थी। अभी सोशल मीडिया आ गया, अभी व्हाट्सएप आ गए, मैसेंजर सर्विसेज आ गई, वो डिस्कोर्स जो सेलेक्टिव प्लेसेस भी होते थे वो आज पब्लिक डिस्कोर्स बन रहे हैं। और ये जो सारे टेक जायंट्स हैं, वो ट्विटर, वो फेसबुक, वो गूगल, ये सब जो बड़े बड़े हैं, ये उन्हीं को प्रमोट करते हैं जो हमारे उनके हित के अनुकूल है, वो हमारे विचार के विपरीत है। और इसके कारण से हमारा जो एकेडमिक डिस्कोर्स हम जो करते हैं, हम जो काम करते हैं, दैट डज नॉट बिकम ए पॉपुलर डिस्कोर्स। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया के अंदर, आज के समय के अंदर, आपके पास सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य का वाहक आज जो रित है, वो रित असत्य की धारा के साथ है। वो जो निरंतरता जो है ना, वो जो गति है, वो गति हमारे साथ नहीं है। अभी हमें इसका काट ढूंढना, हमें इसका रास्ता निकालना है, हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एकेडमिक्स, मीडिया एंड टेक जायंट्स, दुनिया के अंदर इसकी एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमको पार पाना पड़ेगा। और दुनिया की चार शक्तियां हैं जो पूरी दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी को खो चुकी हैं, वो एक्सपोज हो चुकी हैं, वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। उन्होंने जो व्यवस्था दी दुनिया में किसी भी देश के अंदर, वो 100 साल भी चली नहीं है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में माओवाद आया, दुनिया में मार्क्सवाद आया, दुनिया के अंदर सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट के मॉडल आए, दुनिया के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से हमको जो उपदेश देना चाहते हैं, उनका जो नेतृत्व करने वाले सब लोग हैं, दुनिया के अंदर इवेंजलिस्ट है, इस्लामिस्ट है, दुनिया के अंदर जितनी शक्तियां हैं, जब जब जहां जहां वो प्रभावी हुए, उन्होंने दुनिया को केवल क्या दिया, उनको दुनिया को वायलेंस दी, कॉलोनियलिज्म दिया, लूट दी, नरसंहार किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। वो अपने देश के अंदर भी 100 साल में ही डिस्क्रेडिट हो गए, किसी देश के अंदर वो चल नहीं पाए। उन सब के लिए चुनौती हमारा विचार है। हमारे पास सत्ता की चौकट नहीं थी, उसके बाद भी सारी दुनिया हमारे को स्वीकार कर रही है, वो योग के पीछे जाना चाहती है, वो भारतीय जीवन पद्धति के पीछे जाना चाहती है, वो अध्यात्म को स्वीकार कर रही है, वो भारत के पर्यावरण के चिंतन को स्वीकार कर रही है। उनको ध्यान में आ गया है कि भारत का जो चिंतन है, यही सारी दुनिया में हमारे लिए एक चुनौती है, और ये सारे लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए सब एकत्र होकर, एक साथ होकर, उनका एक इकोसिस्टम बन गया है जो हर परिस्थिति में इस भारतीय हिंदू, इस देश के अंदर जो उपजा चिंतन है, उस विमर्श को कैसे रोका जा सके। और इसलिए सारी दुनिया के अंदर काम करने वाले, चाहे इस्लामिस्ट हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे ग्लोबल कैपिटलिस्ट हो, चाहे कल्चरल मार्क्सिस्ट हो, इनका एक इकोसिस्टम बन गया है। ये सब एकत्र है। वो भारत में जमीन पे ताकत नहीं है, तो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में उनकी ताकत है, दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान या वहां के मीडिया संस्थान में उनकी ताकत है, वो उसका उपयोग वहां करते हैं, उसका अनुभव हम सबको आ रहा है। और इसीलिए इस देश के अंदर हम ये जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस परिवर्तन लाने की जब इच्छा लेकर हम काम करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये तीन चुनौतियों को हमको विजय प्राप्त करनी होगी। आने वाले 25 वर्षों के अंदर अकादमिक जगत की जो चुनौती है, जिसको मैंने कहा
दे हैव क्रिएटेड देयर ओन रेफरेंसेज, दे हैव एस्टेब्लिश्ड देयर नैरेटिव्स, देयर नैरेटिव्स हैव बिकम पॉपुलर डिस्कोर्स। समाज का वो एक आज स्वीकार्य एक विमर्श उनका बना हुआ है। जिनको हम मुकाबला करने जा रहे हैं उनके पास एक ताकत है, वो ताकत वो एकेडमिक्स में, मीडिया में, टेक जॉइंट्स की सपोर्ट उनके पास है। दुनिया की जो सब शक्तियां हैं वो सारी के सारी शक्तियां, वो जॉर्ज सोरोस हो, वो जैक डोर्सी हो, वो जो सारे ग्लोबल कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं जो राष्ट्रभाव को, इस भारत के राष्ट्र के चेतना को एक दुनिया के लिए बड़ा खतरा मानते हैं, इसलिए कभी कभी उसको वो मेजोरिटेरियन, कभी कभी एंटी माइनॉरिटी, कभी कभी वो और एंटी प्लुरलिज्म, तरह तरह के वो विशेषणों से करके हमारे ही मन के अंदर भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। ये सारी की सारी शक्तियां मिलकर इनकी चुनौती को हमको पार करना है और इस सारे के लिए हम सब लोगों को अपनी सिद्धता बढ़ानी होगी। और इसलिए सब काम करने वाले लोगों को मैं हमेशा एक अनुरोध करता हूं, एक बात कहकर मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं, ऐसे सब लोगों में जब अवसरों पर मैं उपस्थित होता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि परिवर्तन की इच्छा रखिए, परिवर्तन के लिए काम मत करिए। ये जो परिवर्तन है ये प्रक्रिया का परिणाम होता है। जब प्रक्रिया पूर्ण होती है तो परिवर्तन आता है। ये कभी कभी हम परिवर्तन के लिए काम करते हैं तो हम जल्दबाजी करते हैं। प्रक्रिया पूरी हुए बिना जब हम परिवर्तन का प्रयास करते हैं तो उसमें परिणाम नहीं आता। अभी आज के समय के अंदर हम सब काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के मन के अंदर बहुत जल्दबाजी रहती है, बहुत बार रहता है मेरे टेन्योर में ही सब कुछ होना चाहिए, इसी कालखंड में होना चाहिए। तो दुनिया के अंदर किसी के टेन्योर में, किसी के कालखंड में काल की गति जुड़ नहीं सकती। ये जो परिवर्तन है, मैं हमेशा कहता हूं कल्मिनेशन ऑफ प्रोसेस इज ए चेंज। प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो परिवर्तन नहीं आता, और जल्दबाजी करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। और इसलिए सारी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में हमने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, अपने इस प्रयासों की मात्रा को बढ़ाना है, इन प्रयासों की निरंतरता को कायम रखना है, इन प्रयासों की दिशा जो है वो ठीक रहे इसके बारे में सतत विचार करना है। परिणाम इसकी चिंता छोड़कर, परिणाम ये अवश्यंभावी है, प्रक्रिया पूरी होगी तो परिणाम रोक नहीं सकता। और दुनिया में कोई भी परिवर्तन, बीज से वृक्ष की यात्रा होती है, उससे जल्दी कभी नहीं होता, पेड़ से दूसरा पेड़ नहीं उगाया जा सकता। और ये बीज से जो वृक्ष की यात्रा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने प्रारंभ की है, ये अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचे, इसके लिए हम सब लोग आज जब समाज की इच्छा है, शासन की दृढ़ इच्छा है, उसकी शक्ति हमारे साथ है, तो हमारी सिद्धता बढ़े, हम अपने लक्ष्य में पूर्ण की ओर आगे बढ़ते हुए अपने इस जीवन में इस सफलता सार्थकता को देख सके, इसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हुए मैं अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।